आज हमने हरिभा उपाध्याय विस्तार में लगातार बढ़ती चोरियों को लेकर हमने एसपी साहब का आज ज्ञापन दिया था। ज्ञापन एसपी साहब ने जैसे ही हमारी जो समस्याएं थी सुनी और तुरंत हमारे साथ वो हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने एक एक जगह जहाँ भी हमारी जो समस्याएं थी, जैसे प्राइवेट बस स्टैंड की समस्याएं, अवैध जो दारू सप्लाई होती है उसकी समस्याएं, चोरी की समस्याएं, चौकी की समस्या, हर तरह से उन्होंने एक एक जगह जाकर उन्होंने स्वयं जाके देखा और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और पूरी जो चोरियां हुई उनको खुलासा करने का उनका पूरा प्रयास रहेगा। ये संदीप धाबाई, अध्यक्ष हरिभा उपाध्याय। आपको हमने अपनी कॉलोनी की सारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जो चोरियां बढ़ रही हैं और जो स्थायी पुलिस चौकी की हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने उनके बारे में उनका अवगत कराया, तो उन्होंने स्वयं आके सभी चीज़ों का निरीक्षण किया और कॉलोनी वासियों को पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा सहयोग करेंगे हमारी समस्या का समाधान करने। जिस तरह से अवैध कॉलोनी बसी हुई है उस पर क्या कहा है सर? अवैध कॉलोनियों के लिए हमने उनको बताया था, वो वहाँ पर निरीक्षण करके आए हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, तो जो कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ करेंगे उस हिसाब से वो आगे उनका कोर ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है, नाम बताया। मेरा नाम सतविंदर सिंह। थैंक यू। कॉलोनी निवासी एसपी ऑफिस गए हैं और एसपी साहब ने इतना अच्छा सपोर्ट करा और स्वयं आए, उन्होंने चौकी के लिए आश्वासन दिया है कि बड़ी चौकी बनवाने का, बस स्टेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है अधिक्रमण है उनको हटाने का, इसलिए मैं एसपी साहब को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर अभी मेरे पास में यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग मिलने के लिए आए थे, उनका कहना है कि यहाँ लगातार कुछ स्पेसिफिक जगह पर चोरियाँ हो रही हैं, तो उन चोरियों की जो भी वजह हैं उन्हें पता करने के लिए और हम यहाँ क्या कर सकते हैं ताकि इन चोरियों पर लगाम लगे, इसके लिए यहाँ का राउंड किया। कुछ नहीं, हम पूरा एग्जामिन करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। प्राइवेट बस स्टैंड किया था आपने? हाँ, वो प्राइवेट बस स्टैंड को लेकर के शिकायतें हैं कि वहाँ लोग रुकते हैं, खाना बनाते हैं, जो कि अलाउ नहीं होता ऐसी जगह पर। कोई भी सिलेंडर या कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो ऐसी जगहों पर अलाउ नहीं होता, उसके बाद भी वो लोग वहाँ खाना बना रहे थे, ये शिकायत थी। तो वहाँ पर ये सारी जो गतिविधियाँ हैं उसको बंद कराया जाएगा, उसके लिए निर्देश दे दिया गया। चौकी की भी बात हुई थी, देखिए चौकी में रहने की जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हमारा स्टाफ रुक नहीं पा रहा है, उसके लिए एडीए से बात की है, एडीए के अधिकारी से बात की है, तो उनके साथ में मिलकर के हम कोई और जगह अलॉट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेटर प्लेस हो जाए जहां पर कि हमारा स्टाफ रुक सके।